ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है रॉयल्टी। पहला है रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन्न व तृप्त। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, तो सोचो जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो, तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो, तो अनादि काल आदि काल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर वन रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा
असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आँख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्तियुक्त होगा। युक्तियुक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप, साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो, सुनना अर्थात फॉलो करना। नेक्स्ट पॉइंट है, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। नेक्स्ट पॉइंट है, रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता
व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है, पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? नेक्स्ट पॉइंट है, रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है, अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती व दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आँख नहीं डूबती है, किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है वा गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं, सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है? ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी
कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए वा फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सच्चा होगा वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो एक रियल्टी, दूसरा रॉयल्टी। छोटी छोटी बात में कभी भी बुद्धि झुकाव में न आवे। जैसे रॉयल बच्चे होते हैं तो उन्हों की कब छोटी सी चीज़ पर नज़र नहीं जाएगी। अगर नज़र गई तो उसको रॉयल नहीं कहा जाता। किसी भी छोटी छोटी बातों में बुद्धि का झुकाव हो जाए तो उसको रॉयल्टी नहीं कहा जाता। जो रॉयल होता है वह सदा प्राप्ति स्वरूप होता है। कहाँ आँख व बुद्धि नहीं जाती। तो यह है रूहानी रॉयल्टी, कपड़ों की रॉयल्टी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है। जो अब रॉयल पुरुषार्थी है उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूँ। दूसरे को नहीं जानना है, लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन रॉयल्टी में रियल्टी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में जीरो में हीरो। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर
चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बनकर के दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तो पवित्रता की रियल्टी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करेगी और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी जीवन में अपनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है, यह स्मृति समर्थ बना देती है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। अच्छा, ओम शांति।